ठंड से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का असर दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी से बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। 23 अक्टूबर को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी अब स्थानीय निवासियों के लिए भी सर का दर्द बनता जा रहा है, क्योंकि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कहना है आम जनता का दिल्ली के खराब प्रदूषण के स्तर को लेकर, सुनिए। पॉल्यूशन लेवल्स तो पिछले 10 से 12 दिन से दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। आज रियली फील हुआ है, मतलब आईज के अंदर, और देयर इज स्मॉग बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने आसपास देखी है तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉग है, तो आई थिंक ये तो काफ़ी यूजुअल है दिल्ली में, बट आई थिंक सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल। जो हर साल हम देखते आ रहे हैं, इस साल भी सेम वही सिचुएशन आ रही है। दिवाली आ रही है और पॉल्यूशन, और जैसे फेस्टिवल के टाइम पे इतना ज़्यादा, जैसे जैसे ठंड आने लगती है पॉल्यूशन बढ़ने लगता है और वो कंफर्टेबल फील नहीं होता है। सेम अभी वैसे ही फील हो रहा है। ऑक्सीजन है तो ये जहाँ, और ऑक्सीजन नहीं तो वो जहाँ। हमें अंदर की ऑक्सीजन बनानी है, और ज़िंदगी कोई आसान नहीं। दिन में जुनून जलाना पड़ता है, और मौसम चाहे कैसा भी हो साइकिल रोज चलाना पड़ता है। ये हमारा अंदर का वो है, हमने एक एम्बिशन है, एक टारगेट लिया हुआ है, 100-day tour लिया हुआ है, 100-day tour एवरी डे साइकिलिंग, एंड आई एम एट नंबर 2nd to 4th ऑल ओवर इंडिया इन माई एज ग्रुप। आई एम सीनियर सिटीजन, और जैसा भी मौसम हो धूप में चलाओ, सुबह में चलाओ, और यहाँ जगह नहीं है तो खेतों में चलाओ, नजफगढ़ आओ, खुले रोड बनाए हुए हैं अपने गडकरी साहब ने, इतने रोड बनाए हुए हैं खुले खुले, हाईवे पे चलाओ। कोई ऐसी दिक्कत मुझे महसूस हो नहीं रही। मैं 2021 से चला रहा हूँ साइकिल, और मेरे 26,000 क्रॉस कर चुके हैं। माई एवरी डे एवरी ईयर टारगेट इज 10,000 किलोमीटर, एंड 10,000 में मेरे अभी तक 8,000 क्रॉस हो चुके हैं, और मैं हर 20 दिन में 1200-1300 किलोमीटर चला चुका हूँ। ऐसे मौसम की बात नहीं है, आपकी बॉडी लंग्स कैपेसिटी की बात हो जाती है। लंग्स कैपेसिटी आपको, वो लंग्स कैपेसिटी कैसे मैनेज करनी है, तो आपको थोड़ा सा कपाल भाती करनी है। जहाँ पे ऐसा हो एक मास्क यूज करना है, और मास्क यूज करने के बाद आपको साइकिल पे चलते चलते भी आप कपाल भाती कर सकते हैं, ठीक है। आपको पोल्यूशन, आपके एयर पैसेज क्लियर होने चाहिए। बॉडी में वो शक्ति है, बॉडी में वो इम्यूनिटी है जो बॉडी फाइट करेगी। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जो है उसके अनुसार दिल्ली में अब ठंड जो है वो बढ़ने लगी है, और साथ ही साथ जो हवा की स्पीड है वो भी कम हुई है, जिससे प्रदूषण के स्तर को बढ़ने की संभावना है। क्योंकि जो गैस हैं वो अब वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पा रही हैं, तो जितने पार्टिकुलेट मैटर हैं वो अब नीचे आ रहे हैं, और उसको देखते हुए अब दिल्ली के अंदर ग्रैब का जो दूसरा चरण है उसको लागू कर दिया गया है। जितने ग्रैब के दूसरे चरण में जितने स्टेप हैं उसका दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रैब के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके, जिससे कि जो, चूँकि मौसम तो अपने हाथ में नहीं है लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो सेहत पे असर पड़ता है वो कम से कम हो सके।